का प्यारा है, बहुत प्यारा है। देखिए हेलो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं कुब्बा गार्ड घूमने नाना के साथ, नाना भी के साथ में। नाना रोड पे गए, हम सब पैसा लेने आए थे क्योंकि सब्जी भी लेना है इसलिए। और बहुत अच्छा है घूमने, कुब्बा गार्ड बहुत बढ़िया धार्मिक जगह है, आपको दिखाते हैं वहाँ पे क्या क्या है गाइस। ठीक है, बाहर पहुँचते हैं तो फ़ोन करते हैं। हम आए रूप में अपना पैसा लेने, ये धुआं के उसके चलते धूप लिए थे हम, पूजा किए रास्ते वैसे उसके चलते धूप है यहाँ पे। ठीक है भाई, दूर है हमारे नाना, टेम्पो का इंतजार कर रहे हैं और हमको ये लेने भेजे थे, ये झोला जिसमें सब्जी वो लेते हैं सब्जी वब्जी। अच्छा क्या ना, जितना मजा सब पहन लिया। देखिए हम भी चले आते हैं, तिलका माझी पहुँच गए हैं यहाँ से, दोबारा टेम्पू बदलना होगा, फिर डायरेक्ट नहीं जाता है टेम्पू। भागलपुर का तिलका माझी, देखिए यहाँ से टेम्पू पकड़ना होगा मायागंज वही कुप्पा घाट। गाइस आश्रम पहुंच गए, नाना पैसा दे रहे हैं टेम्पो वालों को। और ये रहा आश्रम, मस्जिद में ही आश्रम चले आना, पैसा ले लिया चले आना। ये आश्रम है, गेट ये लाइए, चलिए गाइस जाइए कुप्पा घाट। पूरा कुप्पा घाट अभी अंदर जाएंगे, ये बाहर नहीं, ये पार्किंग का दिखा रहे हैं, ये रहा पार्किंग, पार्किंग अभी अंदर जाएंगे तो और दिखाएंगे आप लोगों को। ठीक है भाई, निःशुल्क खाना के कूपन के लिए नाना लाइन में लगे हुए हैं कूपन लेने के लिए, क्योंकि नाना खाए के जाएंगे यहीं से। मिला नाना कूपन? नहीं, नहीं। ये गाइस ई वी एक आश्रम है, बाबा रहते हैं, हम लोग जा रहे हैं बाबा से मिलने पहले, फिर आपको मंदिर घुमाएंगे। देखिए बाबा यहाँ पे शांति बनाए रखना है, उसलिए कुछ बोल नहीं सकते ज़्यादा, क्योंकि नाना देख रहे हैं। ये बाबा यहाँ पे रहते हैं, इनका आवास है यहाँ पे। हमें जूता खोल के जाना है अंदर, तो नाना जूता खोल लिया, अब मेरा बारी है जूता खोलने का। जैसे ये जूता वगैरह खोल ली, अब जाना है बाबा के, बाबा से भेंट करने। अंदर होगा कैमरा तो देखेंगे, खींच होगा अलाउ तो बनाएंगे ब्लॉग, नहीं तो छोड़े रहेंगे। ठीक है, बाबा नहीं थे, बाबा का प्रसाद मिला, बाबा का प्रसाद ही खा के जा रहे हैं नाना और हम, दुखी होके वापस जा रहे हैं। ये रहे बाबा, बहुत बड़े बाबा हैं, उम्र इनका बहुत हो गया, उनके नाना हम पास इसलिए जा रहे हैं कि हम जूता पहने रहे, जूता नहीं खोल रहे हैं इसलिए हम पास नहीं जा पा रहे। बाबा भी ध्यान कर रहे हैं, इसलिए वहाँ नहीं खुलेंगे, ध्यान कर रहे हैं। ये रहा इनका घर, बड़ा कि बाबा इसी मकान में रहते थे। ओ इसी में? हाँ। कितना साल पुराना भाट हो गया वहाँ है ना, सब सब ढा करके थी प्लस नहीं, इसका मकान नहीं पूरा, सब मिट्टी पत्थर, जिस दिन आए थे उस दिन उसको से पत्थर में, बहुत पुराना है। ईरा गंगा जी, गंगा जी सटा हुआ है, ईरा आश्रम ये बहुत पुराना है, बहुत पुराना, और ये असली है, बाबा जी इसी के अंदर रहते थे, तीनों अभी तक संभाल के रखा है, उसी के लिए अभी खोला नहीं गया है क्योंकि अभी था इसका रिवोल्यूस, ये बन रहा है तो ठीक ठाक हो रहा है, ये पूरा बन गया, इतना ही नहीं बना था, हम भी बहुत दिन बाद आ रहे हैं। ये दूसरे बाबा का घर है, धूप में उसको घुमा रहा है, तो क्या हुआ है, कितना साल हो गया होगा, 100 फीट पर है, देख लीजिए उन बाबा का उम्र 100 से ज़्यादा हो गया है। हरिनंदन बाबा नाम है उनका, और ये पूरा वही रहते थे, उनके याद में अभी तक मतलब मरे नहीं है, वो भी जिंदा है, वो घुमा रहा है, सांस नहीं ले पाते, बोल भी नहीं पाते, आपको दिखाए थे बाबा जी व्हील चेयर पर। देखिएगा ये गुफा द्वार, देखिएगा इसके अंदर क्या है, ये गुफा द्वार है, इसके अंदर गुफा है किस चीज़ का, आइए आपको दिखाते हैं किस चीज़ का गुफा है। ये रहा गुफा द्वार, यही गुफा द्वारा जहाँ बाबा 18 महीना अखंड साधना किए, 18 महीना
कि नाना और बताएंगे इन गुफा के बारे में। नाना क्या बताइएगा, गुफा में क्या हुआ था पूरा एकदम गुफा के अंदर? हम और नाना किनारा जा रहे हैं गंगा घाट के किनारा, उधर है किनारा, ये भी एक घर है स्वामी रघुनंदन जी महाराज का। देखिए जुम्बा भी दिखाते हैं, रघुनंदन जी महाराज सुल्तान जी, आनंदिक जगह है कुप्पा का। यहाँ पे देखिए क्या क्या हो रहा है, उतना जूम करके नहीं बता सकते हैं, तो देख लीजिए। ये किनारा गंगा जी का किनारा, बाहुबली आगे गंगा किनारे जा रहे हैं। अभी नीचे होगा ना जा पाएंगे, नीचे जाएंगे नहीं तो नहीं जाएंगे। एक चीज़ देखिए, उस पक्षी को आप लोग जानते हैं क्या? वो बहुत बड़ा पक्षी है, वो गाय रहा है, ये भी गाय है भैंस है जो है आप जाने। रुकिए और दिखाते हैं वो पक्षी कौन सा है, रुकिए और दिखाएंगे आगे जाके और जूम करके दिखाते हैं, यहाँ से जूम नहीं हो रहा ज़्यादा। उस सामने गरुड़ है ना, देखिए गरुड़ है वो सामने वाला मछली पकड़ रहा है वो गरुड़। और ये पुल बन रहा है, वो क्या बनेगा? और यहाँ पे कुछ नहीं है दिखाने के लिए, अब अंदर जाएंगे दोबारा तो कुछ दिखाएंगे। नाना भंडारा भी खाएंगे, भंडारा नहीं बोलते उसको, प्रसाद बोलते हैं महाराज का, भंडारा ही प्रसाद उसको होगा तो हम लोग भी खाएंगे, नाना खाएंगे तो हम भी खाएंगे, हम खाएंगे नाना भी खाएंगे, पर खाएंगे जो होगा। भोजनालय के अंदर आ गए हम लोग खाने, हम पूरा खाने के लिए मेरा भोजनालय जा रहे हैं खाने, क्योंकि नाना को भूख लग गया। और देखिए क्या हुआ खाने के लिए, वो भी दिखाते हैं, वो तो दिखा देंगे हम, नहीं तो भर गया गेट बंद, भर गया भर गया भर गया, 5 मिनट लेट हो गए, 5 मिनट लेट हो गए। प्लेट लेना पड़ता है और खुद धोना पड़ता है, फिर जाके खुद धो के ही रखना पड़ता है। चलिए प्लेट जल्दी से लेते हैं फिर चलेंगे खाने, जो होगा उसका भी दिखाते हैं। जाने दो फिर जाने दो, प्लेट लेना पड़ रहा है खुद से, प्लेट हल्का फुल्का गंदा है, धो लेंगे और कुछ नहीं, धो लेंगे प्लेट की, रख रहे रख लीजिए। नाना गुस्सा खाने के लिए धो रही नाना, ज्यादा नहीं खाएंगे, खा के आए तो नाना भी खा के आए, ज्यादा नहीं खाएंगे हम लोग, फिर प्रसाद समझ के खा लेंगे थोड़ा। और अभी मेन सब जगह गए नहीं है अभी, और अच्छा अच्छा जगह आएंगे, अभी गए भी नहीं है अभी, बहुत अभी आधा से भी कम घूमे हैं, अभी पूरा अंदर घुमाएंगे तब आपको और दिखाएंगे। सही चलते हम रख दिए अपना नाना लूट पाट के ले लिया, हम अपना प्लेट रख दिए, हमको देखते हैं पेट भर गया, नाना एकदम लूट पाट करके सबके बीच में घुस ले लिए। गए नाना सब्जी के लिए मारपीट कर रहे हैं, किसी का प्लेट से सब्जी मिल जाए जो छीन लेना है वो नाना के सामने भी ले जाएंगे, नाना गुस्साएंगे बहुत, क्योंकि हम प्लेट रख दिए, अब सब्जी आ गया है। अब देखिए नाना का, आप लोग को सिर्फ लगता था नाना कमज़ोर है, नाना कमज़ोर नहीं है, अभी आप लोग देखिए अभी क्या होता है नाना, आप लोग अंडर एस्टिमेट करते थे मेरे नाना को, कमज़ोर है नाना, भेज जाएंगे नाना, ठीक है नाना भेजेंगे। नाना का मिशन सक्सेसफुल, खा लिए नाना पेट भर, अब और कुछ और क्या दिए नाना को, पूरी खीर सब्जी खाएंगे खाएंगे, खाइएगा नाना, खाइए। हम अब नाना भंडारा खा लिए,
अब जा रहे हैं मंदिर का भ्रमण करने, खत्म खाना खत्म पैसा एकदम। भंडारा खा लिए, भंडारा का पैसा जो मानना है मानिए वो खा लिए हैं, हम कम खाए कम्प्लीट रख दिए। फिर नाना खा रहे हैं अभी, अब नाना को एक गाँव का मिल गया तो नाना बात कर रहे हैं। गाइस हम लोग देखिए गौशाला में आ गए हैं, आश्रम का गौशाला यहाँ पे देखने हैं। नाना बोले देख क्या कितना गाय है यहाँ पे, भाई गाय देखने आए हैं। देखिए गाय आप लोग भी कितना गाय है यहाँ पे, बहुत गाय है, अभी बहुत कम गाय है, इधर घर है जिन गाय सब। अफसोस कि कुछ खिलाने के लिए है नहीं अभी मेरे पास, ये तो कुछ ना कुछ दे देते हैं। देख लीजिए घर पर रहने के लिए, अभी वो सब गाय चरने गया है, वो सब गाय नहीं है यहाँ पे, ये मेरा बछड़ा। बड़ा प्यारा है, बहुत प्यारा है। देखिए ये सब गाय का नाम भी है यहाँ पे, शक्ति पार्वती सब गाय का नाम है यहाँ पे, जितना ना गाय है सब गाय का नाम है। सब गाय के लिए पंखा लगा है यहाँ पे, गर्मी में सब गाय के लिए पंखा है, साफ सुथरा घर बना हुआ है। हाँ 50 से ज़्यादा गाय है, गौशाला है ये। देख लीजिए अभी सर्दी में ये लोग सब धूप ले रही है, नहीं तो गर्मी में अंदर रहती है तो सबके लिए पंखा, देख रहे हैं सब जगह पंखा है। सर मोबाइल में ठीक से दिखे नहीं, और सब गाय का नाम है अपना अपना, सब गाय का फोटो और नाम है, और असली फोटो है और असली नाम है सब गाय का। देख रहे हैं उधर भी है घर, मतलब ये अच्छा खासा फैला है हुआ गौशाला है। देख रहे हैं ये भी, देखिए संत महंत मेहदी काजी का ये समाधि है यहाँ पे। चलिए अंदर वो समाधि दिखा देते हैं, और कैमरा हुआ है लाउड, यही है समाधि, इन बाबा का ही रहा समाधि। ये पूरा आश्रम जिनके ऊपर है वो वही उन्हीं का ये समाधि है गुरु महाराज का, और ये उन्हीं के दूसरे बाबा का समाधि है। इसके अंदर समाधि है जो आप वीडियो देखें, अब इनका समाधि आप लोग को दिखा देते हैं, इनका बहुत अच्छा समाधि बना हुआ है अंदर, चलिए आपको दिखा ही देता हूँ। फाइनली ये रास्ता है, ये नीचे पार्क है, पहले नीचे से ही आते जाते थे, पर नीचे बहुत लोग गंदा वंदा फैला देते थे, उसी के लिए नीचे बंद हो गया जाना, और ये रहा आगे जाने का रास्ता। ये देखिए समाधि, देखिए अंदर वो पता नहीं है कि बहुत दिन बाद आए, बहुत पहले आए थे 5-6 साल पहले, बहुत दिन बाद आए, देखते हैं कैमरा अलाउ है या नहीं। ये देख लीजिए पूरा पर गोल गोल आपको दिखा देते हैं पहले अंदर से बाहर से। देखिए समाधि पीछे से एंट्री किया, आगे से दिखा देते हैं आप लोग को। ये रहा समाधि उनका गुरु महाराज का, उन्हीं का फोटो है यहाँ पे। आपको पढ़ना हो जानकारी तो पढ़ सकते हैं। चल चल के थक गए तो वहाँ बैठ गए नाना आराम से, जूता पहन लेते हैं, ज्यादा ज्यादा घूम लिए यहाँ पे हम लोग, और देखते हैं कहीं यहाँ पे बैठेंगे आधा जगह और बचा। धूप में जाने का मन नहीं कर रहा नाना का, सर दर्द कर रहा है। टाइमिंग कितना हो गया, टाइमिंग देख लीजिए कितना हो गया। मेन समाधि आश्रम घूम लिए, आश्रम से निकल रहे हैं, मैं कितना हो गया आश्रम से निकल रहा हूँ। ये रहा नाना, ये तब आश्रम से निकल रहे हैं। ये रहा कुछ रूल पहना आप लोग को पढ़ ली, ये आश्रम आश्रम से हम लोग निकल रहे हैं, हम लोग बाजार जाएंगे सब्जी वब्जी भी लेना है। ये गाइस सब्जी लेने आ रहे हैं नाना, भी सब्जी लेंगे नाना, गुस्सा आ जाते हैं वीडियो चलाते हैं तो देखिए बनाए देते हैं नाना। ये रहे नाना, ये रहा सब्जी, हम लोग सब्जी खरीदेंगे। अब इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं हूंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं, मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो, या फिर मोमबत्ती मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है, बाय।